नमस्कार दोस्तों, और आज हम लोग लेके आए नेस्ट रीजनिंग का घड़ी का अगला पार्ट। ठीक है, कल हमने आपको प्रतिबिंब और दर्पण वाली जो आकृतियां थी उनको हमने क्लियर कर दिया था। और जिन बच्चों ने हमारा अगर वीडियो नहीं देखा हो तो वो जाकर प्लेलिस्ट में आराम से देख लें, ठीक है, उसमें पड़ा हुआ है। इसके बाद ये वाला वीडियो देखें तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। कल हमने आपको दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से दर्पण में कैसे इमेज बनती है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, मतलब घड़ी का। और आज हम लोग इसमें देखेंगे वाटर इमेज। क्या देखेंगे बेटा? वाटर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है बेटा, क्या देखेंगे आज? वाटर इमेज, यानी कि जल में कैसे प्रतिबिंब बनता है, जल में प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है बेटा, कि जब आपको घड़ी से जल में देखना है या जल से घड़ी से देखना है तो किस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनेगा, इसकी हम लोग बात कर देते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं, पहले कंडीशन देख लेते हैं, आपको अगर जल में प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनाओगे उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर दिया गया समय 30 मिनट से क्या हो बेटा, कम हो, अगर दिया हुआ समय, दिया हुआ समय 30 मिनट से कम हो, कम हो, अगर 30 मिनट से क्या कम हो, यानी जैसे 4:20 है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें, तो इसको 18:30 में से घटा देते हैं। तो समय को क्या करोगे बेटा, समय को 18:30 में से घटाते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, 18:30 में से घटा देते हैं। दूसरी कंडीशन में आता है, यदि यदि दिया हुआ समय, यदि दिया हुआ समय 30 मिनट से ज्यादा हो, ज्यादा हो, तो समय को, समय को अगर 30 से ज्यादा हो तो समय को 17:90 में से, 17:90 में से, में से घटाते हैं। कितने से घटाते हैं बेटा? 17:90 में से। अब ये 30 का लफड़ा क्या है, जैसे मान लो अगर 4:20 का समय है तो बेटा ये क्या है, 30 से कम है। 4:30 का अगर समय है बेटा तो क्या ये 30 से कम है, तो आपको दिया हुआ समय क्या घटाना पड़ेगा, 18:30 में से घटाना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं यहां से 4:35 तो ये बेटा क्या है, 30 मिनट से ज्यादा है, तो हमें 17:90 में से घटाना पड़ेगा। जैसे हमने कल दिखाया था वीडियो में कि प्रतिबिंब से दर्पण में कैसे करते हैं, जैसे 1 से 11 तक का समय था वो हम लोग किससे घटा रहे थे, आपका 11:60 पर, और जो 1 से 11 से 1 का समय था वो आपका क्या 23:60 में से घटाते थे, कल यही करा था। तो ऐसे ही हम लोग वाटर इमेज में करते हैं। तो अगर टाइमिंग जो है, जो दिया हुआ समय है वो 30 मिनट से अगर कम है, तो हम जो उस टाइमिंग को किस में से घटा देंगे, 18:30 में से घटा देंगे, तो जल में बना हुआ प्रतिबिंब हमें समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, दिया हुआ समय 30 मिनट से अगर ज़्यादा है, अगर 30 मिनट से क्या बैठता है, ज़्यादा बैठता है, तो हम क्या करेंगे उसे 17:90 में से घटा देंगे। ये इनकी कंडीशन रहती है, और आराम से आप जल में प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हो, है ना। आपकी घड़ी होगी और घड़ी से अगर हम जल में उसको दिखवाएंगे तो वो क्या समय दिखाई देगी, है ना, उल्टी। तो सेम वही रहती है कंडीशन, तो इसको समझते हैं कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत? तो अगर 30 से ज़्यादा समय है तो बेटा 17:90 में से घटाएंगे, और 30 से अगर क्या है कम समय है, 30 से बेटा क्या है कम समय है, तो 18:30 में से घटाएंगे, और अगर 30 से ज़्यादा समय है तो 17:90 में से घटाएंगे। किस में घटाएंगे बेटा? 17:90 में से घटाएंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं इसके। देखिए कुछ, तो इसको रफ कर देते हैं। जिन बच्चों ने पहले रीजनिंग के 2 पार्ट्स नहीं देखे हों, ठीक है बेटा, 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं तो तीनों पार्ट्स देख लें तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका ये क्लासेस जो चल रहे हैं वो यूपी पैट के लिए हैं, आपको ध्यान रखना है। और हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट कौन सा पढ़ा जा रहा है आपका, थर्ड। रीजनिंग का पार्ट कौन था, थर्ड, यूपी पैट 2022। ठीक है बेटा, आपका पार्ट्स कौन सा है ये, तो आप बता देंगे, थर्ड। ठीक है, चलिए बेटा, तो आपको सवाल करते हैं कैसे पूछेगा।
तो आपको पहला सवाल देते हैं हम लोग। आपका सवाल है 5:25 का वाटर इमेज, वाटर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा। तो बेटा देखो यहाँ पे 5:25 है, तो 30 से कम समय है या ज्यादा भाई? 30 मिनट से कम है ज्यादा? कम है। तो अगर कम है तो इसे हमें किसमें से घटाना है, 18:30 में से। किसमें से घटाना है बेटा? 18:30 में से घटा दो 5:25। ये आपका क्या घड़ी का समय है, घड़ी समय है, घटा दो तो यहां बेटा कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा? 5। और यहां ऐसे रह जाएगा, 18 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 13। तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा बेटा, 13:05 का देगा। क्या देगा बेटा? 13:05 का देगा। तो देखो अब मान लो आपको ऑप्शन दे दे, इसको कभी कभी चेंज कर देता है, तो उसको समझ लेते हैं क्या करेगा ये। तो ये आपका थर्ड वाला हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। ये आपको दे रखा है 0:05, यहाँ दे रखा है 12:25, यहाँ दे रखा है आपको 2:05, यहाँ दे रखा है 3:05। तो लेकिन आपका आंसर तो बेटा कितना आया, 13:05 आया है। यहाँ पर ऑप्शन 12 में दे रखा है, तो आप अगर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है तो उसमें से किसी टाइम पर भी 1 घंटा कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 घंटा कम कर सकते हैं। ये जब होगा, जब आपको ऑप्शन में, जैसे मान लो आप घटा कर 13 लाए हो, वहां 12 आ रहा है, तो ये आपका अथॉरिटी होती है इन सवालों में कि 1 घंटा क्या कर लें, कम कर लें। सही है? तो यहाँ पर बेटा 1 है, तो 1 घंटा कम कर दोगे कितना बचेगा, 12:05। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, 12:05। बोलो यस या नो, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल हो गया कॉपी। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। ये वाटर इमेज पर आधारित प्रश्न होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10:49, 10:49 का वाटर इमेज, वाटर इमेज क्या होगी। तो आप मुझे बताइए बेटा, ये 10 से ऊपर, और सॉरी 30 से ऊपर का समय है या नीचे? बोलो बेटा कितना है, ऊपर का है। क्या है बेटा? ये ऊपर का समय है, तो आप किसमें से घटाओगे, 17:90 में से। तो इसको बेटा 10:49 को घटा दो 17:90 में से, तो ये बचेगा बेटा 1, यहाँ बचेगा 8 में का तो 4, और यहाँ बचेगा कितना बेटा, 7। तो इसका टाइमिंग जो होगी बेटा वो क्या होगी, 7:41 होगी। कितनी होगी बेटा, 7:41 होगी। किसी कोई दिक्कत? सही है ना? ठीक है बेटा, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? तो ये इसकी ये बाटर इमेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 7:41 पर इसकी क्या होगी, बाटर इमेज होगी। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, रफ कर दें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और समझ में तो आ लगा होगा। अगला देखिए बेटा, अगला जैसे मतलब इस टाइप के दे दे, 22:25 पर वाटर इमेज, वाटर इमेज क्या होगी, 10:25 पर वाटर इमेज क्या होगी। ठीक है बेटा, तो 22:25 को आप ना चेंज करेंगे, 22:25 का मतलब अगर आपको देखो तो कितना होता है बेटा, 10:25। सही है? कभी अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है तो आप उसको बदल लोगे, तो बेटा बदल कर क्या आएगा इसका, तो आपको 10:25 आएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 10:25। अभी बताओ 25 30 से कम है या ज्यादा है? कम है, तो किस में से घटाओगे आप, 18:30 में से घटा दो बेटा इसको, तो माइनस कर दो। कितना बचा यहाँ पे बेटा, ये 5 बचा, और यहाँ कितना बचेगा, 8। तो 8:05 क्या हो जाएगा बेटा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8:05 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? कर लोगे आराम से? एक सवाल और करके दिखाओ इसका। वाटर इमेज वाला क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं इसको। देखिए अब इसका अगला एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, 20:10, 10 मिनट का वाटर इमेज,
बीस बजकर 10 मिनट का वाटर इमेज क्या होगी इसकी, वाटर इमेज जल्दी बताइए बेटा। जल्दी बताओ क्या होगी इसकी वाटर इमेज। आ गया तो बेटा इसको क्या करोगे आप, 20 10 को क्या कर दोगे, ये 8 10 हो जाएगा, बोले यस या नो। तो इससे बेटा ये 10 है जो 20 से 30 से ज़्यादा है या कम, कम है। तो बेटा इसको कितने से घटा देंगे हम, 18 30 में से, तो 10 इधर से घटेगा और 8 इधर से घटेगा, तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 10 20 ये वाटर इमेज होगी इसकी, सही है। तो अगर हम इसे वाटर इमेज देखते हैं तो इसके कितने हो बेटा 10 20 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वाटर इमेज के भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। कल हमने दर्पण और प्रतिबिंब वाले करा दिए थे, आज हमने वाटर और इमेज वाले करा दिए थे, क्लियर है। चलिए अब हमारी एक लास्ट स्टेप बचती है घड़ी की, जो आती है आपकी एरर घड़ी, तो उसके कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं और समझाते हैं कि कैसे करोगे, ठीक है बेटा। दो तीन क्वेश्चन अटेंड करते हैं इसको, तो देखिए इसको रफ कर देते हैं और क्वेश्चन अटेंड करते हैं अगला, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और आप उसको कैसे अटेंड करोगे, ठीक है बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं, कौन सा, एरर घड़ी का, एरर वॉच, ठीक है बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा एरर वॉच का, एरर घड़ी का, पहला इसको भी बेटा हटा देते हैं, तो इसमें एरर वॉच आ जाएगी, एरर घड़ी, ठीक है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको, एक घड़ी जो कि, एक घड़ी जो कि लगातार, एक घड़ी है वो क्या है बेटा, लगातार तेज हो रही है, तेज हो रही है, लगातार क्या हो रही है बेटा, तेज हो रही है, यानी कि हर घंटे में क्या हो रही है, बढ़ रही है ये। रविवार सुबह 8 बजे, रविवार सुबह 8 बजे, तो इस घड़ी को क्या हुआ बेटा, रविवार सुबह 8 बजे क्या कर लिया गया है, अब सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, क्या हो रही है बेटा ये, 5 मिनट सुबह 8 बजे कितने मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी, पीछे थी। यदि यानी कि जब सुबह 8 बजे देखा था तो कितने मिनट पीछे थी, 5 मिनट। यदि यह मंगलवार सुबह, मंगलवार मंगलवार सुबह, किस टाइम बेटा, मंगलवार सुबह 8 बजे, 8 बजे 7 मिनट, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है समझ लेंगे, 7 मिनट आगे है, आगे है, तो सुबह जब मंगलवार को 8 बजे देखा तो कितने मिनट आगे हो गई थी बेटा ये, 7 मिनट हो गई है। तब इसमें सही समय कब दिखाएगी, आगे है तो यह है सही समय कब दिखाएगी, दिखाएगी सही समय कब दिखाएगी, यानी कि ये जो घड़ी है वो सही समय कब दिखाएगी। पहले ध्यान से क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि मंगलवार सुबह जब 8 बजे 7 मिनट आगे है तो यह सही समय कब दिखाएगी, यानी कि इसने सही समय दिखाया कब होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहता है, भ्रमित होने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है इसके, हम आराम से आपको एक चीज बता देते हैं, इसमें जब भी आपसे समय निकलवाएगा, दो तीन क्वेश्चन कराए दें तो आप समझ जाओगे, जब भी बेटा इसमें समय निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, एक बार घड़ी पीछे हो रही है, यानी कि एक एक समय क्या हो रही है, धीमी हो रही है, और एक बार क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो इसका सूत्र आपको याद रख लेना है, इसको देखो, धीमी ऑब्लिक में तेज, यानी कि घड़ी या धीमी हुई हो या फिर क्या हुई बेटा, तेज हुई हो, फिर नीचे आ जाएगा आपका धीमी प्लस तेज, यानी कि धीमी जो प्लस होगी उसको जोड़ देंगे, ऊपर धीमी या प्लस में से कोई अगर होगी तो वो हम ले लेते हैं, और इसमें धीमी तेज का जो पहले आ जाएगा उसी को लेते हैं बेटा, किसको लेते हैं हम लोग, पहले। तो इसमें ऊपर धीमी हो या तेज हो तो जो पहला टाइमिंग होगा वही ऊपर लिया जाएगा, बात समझ में आई, जो स्टेटमेंट में दे रखा होगा उसका जो पहला टाइमिंग होगा,
जो चाहे वो धीमी कह दे और चाहे इसे पीछे कह दे, तो वो हमेशा क्या लिया जाएगा, ऊपर लिया जाएगा। बाद में धीमी और तेज दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जैसे 5 मिनट यहाँ पीछे हुई थी और 7 मिनट यहाँ आगे हुई है, तो 7 5 बेटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। और यहाँ पर जो रहेगा ना वो मल्टीपल में वो कुल घंटे रहता है, कुल क्या रहेगा बेटा, घंटे। अब आप पूछो बेटा ये सर कुल घंटे कहाँ से निकलेंगे, तो अभी हम बता देंगे। पहले इतनी चीज़ बताओ बेटा, आपको स्पष्ट हुई नहीं हुई? इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाते हो कि इसे करना कैसे है। तो आपको याद रखना है धीमी या तेजी, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ना, क्या रहेगा बेटा, पहला स्टेटमेंट रहेगा वही ऊपर आएगा, चाहे यहाँ पर धीमा दे रखा हो, चाहे पीछे दे रखा हो, चाहे तेज दे रखा हो, ठीक है, तो वो हम ऊपर लेंगे। नीचे दोनों को जोड़ देंगे, धीमी और तेज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और कुल घंटे इसमें क्या कर देंगे बेटा, इंक्लूड कर देंगे, ठीक है बेटा। अब कुल घंटे कैसे निकालोगे, पहले लिखते हैं। देखो हमें समय निकालना है, तो धीमी और तेज का मतलब होगा कितने मिनट पीछे हुई है, 5 बटे, कितनी धीमी है बेटा, 5 मिनट, कितने आगे हैं, कितनी आगे है, 7 मिनट। तो बेटा अगर हम इसको जोड़ें तो 5 प्लस 7 बराबर गुणा कितना हो जाएगा, कुल घंटे, कुल घंटे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब कुल घंटे कैसे निकालोगे, तो बेटा एक चीज़ बताइए आप पहले, ये आपको इतवार में देखी गई है, किस देखी गई, रविवार को, तो रविवार बेटा 8 बजे देखी गई इसे, यहाँ दिखाई दे रहा है आराम से, यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो बेटा ये अगर रविवार को 8 बजे दिखाई दे रही है, समझना ध्यान से, तो अब पूछा क्या बेटा मंगलवार, तो सोमवार मंगलवार इतवार मंगल इतवार सोमवार मंगलवार, तो 3 दिन हो गया। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो रविवार से 8 बजे से सोमवार 8 बजे तक चला गया फिर बेटा, है ना, बोलो यस या नो। और सोमवार 8 बजे से कहाँ चला गया ये, बोलो 8 बजे, मंगलवार तक चला गया, बोलो यस या नो। तो बेटा अगर 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, इसमें कितने हो गए बेटा, 24 घंटे, कितने हो गए 24, और फिर से सोमवार से मंगलवार कितने हो जाएंगे 24, तो टोटल घंटा बेटा कितना हो जाएगा, तो कुल घंटे कितने निकले, कितने लोगों को समझ में आई कुल घंटे कैसे निकालते हैं, है ना बेटा। जो टाइमिंग दे रखी है रविवार 8 बजे से मंगलवार 8 बजे तक की, हमें टोटल टाइमिंग निकाल लेनी है, तो रविवार 8 बजे बेटा 8 बजे से टाइमिंग हो जाएगी सोमवार 8 बजे तक, कितनी बेटा 24 घंटे, और सोमवार से मंगलवार भी कितनी हो जाएगी बेटा 24, 24 24 कितने हो जाएंगे टोटल 48। तो हम यहां पर बेटा कितना लगा देंगे, तो ये तो बेटा 5 ही रहेगा, बटे 7 और 5 कितना हो गया, ये 12, और गुणा कितना हो जाएगा बेटा 48, तो 12 चौक कितना हुआ 48, और 4 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 20, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा ये 20 मिनट या घंटे, घंटे होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 20 घंटे। पूछा क्या गया है हमसे, सही समय कब दिखाएगी, तो यानी कि बेटा एक बात बताओ मुझे, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो मैं यहीं से आता हूँ बेटा, 8 बजे किस टाइम देखा गया था समय, 8 बजे कब, रविवार को, बोलो यस या नो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो आप मुझे बताइए अगर हम लोग बात करें तो सुबह 8 से सुबह सोमवार कब तक बेटा, सोमवार 8 बजे तक 24 घंटे होंगे, लेकिन हमें टाइमिंग क्या निकालनी है, 20 घंटे की निकालनी है, तो 4 घंटे कम कर दो, है ना बेटा। देखो यहाँ 8 बज रहा होगा सोमवार का, तो 4 घंटे पीछे ले जाओ इसे, बोलो क्या हो जाएगा, 4 घंटे बेटा पीछे जाएगी, बोलो यस या नो, तो क्या समय दिखाएगी बेटा, 4 घंटे पीछे कर लो, चार, तो 4 का समय दिखाएगी, तो इसका मतलब हुआ बेटा, क्या हुआ इसका मतलब, कि ये 4 बजे कब बेटा, ये सोमवार को, तो सुबह सोमवार को कब बेटा, सुबह की 4 बजे, सोमवार को सुबह 4 बजे क्या दिखाई देगा इसका, सही समय। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, आ रही बेटा नहीं आ रही है, जो 20 घंटे थे, यानी कि वो 20 घंटे में 20 घंटे बाद उसने सही समय दिखाया होगा, तो हमने जोड़ लिया बेटा 8 घंटे, 8 बजे से 8 बजे का सोमवार होता है, 4 घंटे कम कर दिया, तो सुबह के क्या बजा रहा है वो 4, तो इनका सही समय इसने सुबह 4 बजे दिखाया होगा सोमवार को, सही समय कितने बजे दिखाया होगा, सोमवार को 4 बजे दिखाया होगा। बोलो बात समझ में आ गई, नहीं एकदम समझ में आ गया, तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, धीमी गति तेज, धीमी और तेज को जोड़ लो, टोटल घंटा कैसे निकालते हैं, हमने आपको ये वाला सिखा दिया कि किस तरह टोटल घंटा निकालते हैं, ठीक है। फिर जो घंटे आ जाते हैं उतने ही घंटे उसमें बढ़ा दो, तो सोमवार को 8 बजे बढ़ाया गया था, तो सोमवार में 8 में बेटा 20 घंटे जोड़ेंगे, तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, 8 में जोड़ोगे तो ये हो गया 8 बजे का टाइम, और 8 बजे में कितना जोड़ दोगे बेटा, आपका उधर बचा 12, तो 8 4 कितना होता है 12, तो फिर समय कितना दिखाएगी 4 बजे का, 8 4 12, तो समय कितना दिखाएगी 4 बजे का, और वैसे नहीं जोड़ पाओ तो डायरेक्ट जोड़ लो, 8 बजे सोमवार को था सुबह,
तो अगले 24 घंटे में सोमवार का ही तो 8 हो जाएगा। अब उस 8 में से 8 घंटे पीछे ले जाओ, 8, 7, 6, 5 और 4 लगा लो, 1, 2, 3, 4, 4 घंटे वापस चले गए। तो इसका मतलब सोमवार का सुबह 4 बजा होगा। बोलो यस या नो, एकदम स्पष्ट समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, आता है आपसे, ध्यान रखना है इसको। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, आप भी अटेंड करो साथ में, देखो किसका आंसर सही आता है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी। ठीक है बेटा, चले तो ये रेफर दें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया करके समझते हैं दोबारा से। सूत्र आपको याद ही हो गया, धीमा ए तेज जो पहला वाला होगा, और फिर आपको नीचे धीमी और तेज को जोड़ देना होगा और टोटल घंटे निकालने होंगे, ठीक है बेटा? कैसे टोटल घंटे निकलते हैं ये आपको हम सिखा चुके हैं। बोले यस या नो? ठीक है चले, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और इसमें अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक घड़ी जो कि, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा है, इसी में समझ लेना आप आराम से। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है, तेज हो रही है, क्या हो रही है बेटा? लगातार तेज हो रही है। रविवार सुबह 10 बजे, रविवार सुबह सुबह 10 बजे, कितने बजे बेटा? रविवार को सुबह 10 बजे 9 मिनट पीछे थी, 9 मिनट पीछे थी, कितने मिनट पीछे थी बेटा? 9 मिनट पीछे थी। यदि वह सोमवार 10 बजे, सोमवार 10 बजे, ठीक है बेटा, सोमवार को जब देखा गया सुबह 10 बजे, तो लोगों 3 मिनट आगे थी, 3 मिनट आगे थी, कितने मिनट आगे थी बेटा? 3 मिनट आगे थी। तब इसका सही समय कब था? तब घड़ी का सही समय कब था? चलो बेटा देखते हैं कौन निकालता है इसको, जल्दी बताइए, 2 मिनट है आपके पास, तेजी से निकालो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। तो बेटा देखिए, सबसे पहले सूत्र हमने क्या बताया था, समय बराबर धीमी तेज बटे धीमी प्लस तेज गुणा कुल समय, कितना था बेटा? कुल समय। तो तेजी और धीम कितनी होगी भाई शिव कुमार? तो 9 मिनट। नीचे बेटा कितना हो जाएगा देखो, 9 प्लस 3, और कुल समय निकाल लो अब इसमें। तो बेटा कुल समय देखो हम निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। तो बेटा कितने बजे मिलाया गया था? 10 बजे। 10 बजे कब मिलाया गया था बेटा इसे? रविवार को। इधर ध्यान दो भाई, 10 बजे, 10 बजे कब मिलाया गया था बेटे? रविवार को मिलाया गया था। तो अब क्या बताया गया है कि सुबह 10 बजे 9 मिनट पीछे थी, तब सोमवार को 10 बजे 3 मिनट आगे थी। तो बेटा एक बात बताओ, रविवार का 10 बजे और 10 से 10 बजे का टाइम कितना हो जाएगा? 24 घंटे। कितना हो जाएगा बेटा? 24 घंटे। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो ठीक है। रविवार को था तो सुबह 10 बजे, और उसको भी 10 बजे मिलाया गया था। सुबह कितने बजे मिलाया गया बेटा इसे? 10 बजे। तो टाइमिंग कितने घंटे हो गया इसका? तो ये 24 घंटे का हो जाएगा, सीधे तो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। तो बेटा ये हो गया सोमवार, तो 10 बजे मिला लो आप, तो ये हो गया आपका कितना? 24 घंटा। कितना हो गया बेटा? 24 घंटा। तो इसमें आप यहाँ पर कितना लगा दोगे बेटा? 24। 9 और 1 कितना हो गया बेटा? 9/12 गुणा कितना हो जाएगा? 24। 12 दूनी 24, 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 18 घंटे। कितना हो जाएगा बेटा? 18 घंटे।
तो इसका मतलब हुआ जब हमने 10 बजे टाइमिंग देखी थी तो उसके 18 घंटे वाला इसका समय दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बेटा, 18 घंटे बाद। तो एक बात बताओ यहीं पे शॉर्ट कर लेते हैं, देखो अगर 10 बजे से 10 बजे का टाइमिंग कितने घंटे का है बेटा, 24 घंटे का, तो इसमें से 6 घंटे घटा दो भाई, कितना घटा दो, 6 घंटे घटा दो, तो 6 घंटे अगर घटाएंगे तो 10 बजे के बाद क्या होगा, 9 बजेगा, फिर 8 बजेगा, फिर 7 बजेगा और फिर क्या बजेगा, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर क्या बचेगा, 7, तो 5 बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा, 4 या 5, 4, तो बेटा इसका भी टाइमिंग कितने बजे हो जाएगा, 4 बजे होंगे। इसका सही समय जो घड़ी का दिखाया गया होगा वो कितने दिखाया होगा, घड़ी ने 4 बजे दिखाया होगा, कितने बजे दिखाया बेटा, 4 बजे। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा, कितने बजे सही समय दिखाया होगा, 4 बजे, सोमवार सुबह कितने बटे, 4 बजे। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, हैं, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, समझ लिया आराम से, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। एक बार यहाँ पे वो चेक कर लो क्या घंटे पूरे हो रहे हैं, नहीं, 10 बजे से 10 बजे का घंटा कितना हो जाता है, 24, पक्का, कोई गड़बड़, चले तो आगे बढ़े, एक सवाल और कर लेते हैं फिर इसी बात पे, देखें कौन करके दिखाता है, बोलो सही आ रहा है क्या, गड़बड़ कर रहे हो, कुछ कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। तो आपका ये जो घड़ी है ना बेटा वो कंप्लीट हो चुका है, कोई और टाइप नहीं बचा आपका इसका, ठीक है, तो ये आराम से आप कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी वाला और बचा कि इतने बजे आई इतने बजे छूटी, तो वो कितने बजे रह जाएगी, एक छोटा सवाल है तो बताओ, छाँ मैं करा दूँ उसको आपको, है ना, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। जैसे देखो किस टाइप का क्वेश्चन देगी, तो ये मैं रफ कर देता हूँ पहले, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, आराम से कोई भी क्वेश्चन आए से अटेंड कर सकते हो आप। तो देखिए बेटा इसका टाइम, लेकिन मेरठ से दिल्ली के लिए, अगला क्वेश्चन आएगा बेटा, मेरठ से दिल्ली के लिए कितना बेटा, मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस रात कितने बजे बेटा 10 बजे छूटती है, कितने बजे छूटती है बेटा, रात 10 बजे छूटती है, यदि बसें प्रत्येक 3 घंटे बाद, यानी कि एक बस छूटने के बाद कितने पे कितने 3 घंटे के समय अंतराल पर है, के समय अंतराल पर है, यानी कि 3 घंटे के समय अंतराल पर है, यानी 3 घंटे बाद क्या होती बसें छूटती हैं, ठीक है बेटा, समय अंतराल पर है, एवं कुल 6 बसें हैं, 6 बसें हैं टोटल, बस स्टैंड पर कितनी बसें हैं बेटा, 6 बसें हैं, तो दिल्ली के लिए तीसरी बस कौन सी पूछी बेटा, तीसरी बस कब जाएगी, कब जाएगी, तो फटाफट बताइए कौन सा सही जाएगा, तीसरी बस पूछी गई है, सुबह 4 बजे जाएगी, तीसरी बस पूछी गई बेटा, ध्यान रखियो जल्दी बताओ कौन सी जाएगी, सुबह 7 बजे जाएगी, अच्छा देखो देखिए बेटा कितने बजे जाती है पहले ये बताओ, 10 बजे जाती है, तो इसका मतलब हुआ 10 बजे से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, देखो बेटा इधर 10 बजे, 3 घंटे घटाओ तो कितने बचे इसमें बेटा, 7, 7 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे,
चार, अरे भाई ध्यान दो, यहाँ पर 6 बजे चलेंगे, 3 बजे चलेंगे, 4 बजे तक। फिर अगला बताओ कब जाएगा, 4 बजे के बाद, 1 बजे, 1 बजे के बाद फिर पीछे आ जाओ, कहाँ जाएगी, कितने बजे, 1 बजे के बाद फिर कितने बजे जाएगी, 10 बजे, 10 बजे के बताओ, बताओ कितने बजे जाएगी फिर, हाँ बेटा 7 बजे, 6 हो गई पूरी, नहीं 6 हो गई, नहीं तो 1, 2, तीसरी पूछिए, तो 1 बजे जाएगी तीसरी, बोले या सुनो, तो तीसरी कितने बजे जाएगी बेटा, 1 बजे जाएगी। ये ऊपर 10 बजे से आ रहे हैं, ये हमारे तो इधर से बसें चली होंगी ना, ये तो लास्ट में 10 बजे है, रात में 10 बजे अंतिम बस है ना बेटा, तो चली तो यहाँ से होंगी ना, 7 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 7 बजे, फिर 10 बजे, तो इसने तीसरी पूछी है, तो यहाँ से तीसरी है बेटा, तो 1 बजे जाएगी बेटा, कितने बजे जाएगी, 1 बजे, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेहतरीन क्लासेस मिलेंगे आपको, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का कैलेंडर नेक्स्ट वीडियो में, तो जो पुराने वीडियो नहीं देखे वो भी देख लें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए जय भारत, जय हिंद।